So guys, I welcome you all for this session on management UGC NET code 17. ठीक है, so आज हम लोग क्या करेंगे? So पहली बात हम लोग देखेंगे कि जो अभी UGC NET का एग्जाम हुआ है दिसंबर 2022 वाला, जो कि अभी मार्च के महीने में हुआ, तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उस एग्जाम में क्या हुआ और कैसे हमें UGC NET उसके बेस पे हम उससे क्या सीख सकते हैं कि UGC NET code 17 मैनेजमेंट में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा. सेकेंड थिंग कि जो हम अभी लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं 1 मई 2023 से, जो अगला बैच शुरू होगा मैनेजमेंट का, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. देन कि हाउ यू कैन प्रिपेयर विद ह्यूमन पैरेटस, कि उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हम लोग देते हैं और कैसे आपको उन रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई करना है, दिस इज द थर्ड पॉइंट. और फाइनली एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू आस्क, सो इट्स योर डे. आपको कुछ भी पूछना है एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, या फिर सिलेबस के अंदर जाके किसी फर्दर सब टॉपिक के बारे में, कीवर्ड के बारे में, यू आर वेलकम. आप हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो. सो गाइस शुरू करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस हु वी आर. सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पैरेटस एंड वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यूजीसी नेट है उसके हम लोग तीन सब्जेक्ट हम लोग करते हैं. तीन कौन कौन से? कोड 08 कॉमर्स, कोड 17 मैनेजमेंट एंड HRM एंड लेबर वेलफेयर कोड 55. इसके अलावा हम पेपर वन भी साथ में, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो इंक्लूडेड अगर हम किसी भी यूजीसी नेट पेपर का तैयारी करते हैं तो. इसके अलावा एट ह्यूमन पैरेटस हम कुछ दूसरे एग्जाम भी करते हैं, जैसे अगर किसी को सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है बट विद मैनेजमेंट एज ऑप्शनल, या यूपीएससी के RT एग्जाम्स होते हैं जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, APFC, DD, एडमिन ऑफिसर एंड सो ऑन, देन यूपीएससी CSAT, और फाइनली डिफरेंट PSUs में जो HR ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर का वैकेंसीज निकलता है, जैसे IBPS, कोल इंडिया, ONGC, ये सब भी एग्जाम्स हम लोग करते हैं. सो बेसिकली मैनेजमेंट और कॉमर्स को लेके अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सो दैट इज वेयर वी स्टैंड एंड दैट इज वेयर वी ट्राई टू एड सम वैल्यू. ओके, सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं कोड 17 मैनेजमेंट में JRF या नेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, या फिर इन अदर वर्ड्स की कट ऑफ कहां जाता है. तो बिफोर आई स्टार्ट द प्रिपरेशन, लेट अस लुक एट दैट व्हाट इज रिक्वायरमेंट, हमें इस वाले एग्जाम में हमें नीड क्या है. ठीक है, अगर हम कोड 17 का कट ऑफ देखें पिछले कुछ सालों का, तो वो ये है, दिसंबर 18, जून 19, दिसंबर 19, फिर जून 20, उसके बाद जून 21, और अभी जो हुआ दिसंबर 2022. अगर आप इन सारे एग्जाम में JRF का कट ऑफ देखो, सो पहले 62 था, फिर 68, फिर 61, फिर 64, फिर 59, और फिर अब की बात 67% कट ऑफ JRF के लिए. नेट के लिए कितना मोटा मोटा लगा सकते हो कि JRF से 5-7% कम, अप्रोक्सीमेटली 6-7% कम जितना JRF के लिए नीड है. सो फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, दिस इज द रिक्वायर्ड स्कोर. अब इस वाले रिक्वायर्ड स्कोर से हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो गाइस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि इस वाले स्कोर, अगर ये वाला स्कोर है तो हमें कैसे अपनी चीजों को प्लान करना है. तो एक मोटा मोटा सेंस जो बाहर समझ में आती है कि ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कट ऑफ विल कीप वेरिंग हर बार, डिपेंडिंग अपॉन की पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम है या ज्यादा है, लेकिन एक मोटा मोटा सेंस ये जरूर है कि अप्रोक्सीमेटली हमें कट ऑफ, अगर बिल्कुल हमें एंश्योर करना है कि हमारा कट ऑफ डेफिनेटली पास हो JRF का, तो कम से कम 75 और 70 के आसपास, बीच में 65-70 के बीच में कहीं कहीं हमारा कट ऑफ रहने की संभावना है. ठीक है, अगर 65-70 के बीच में कट ऑफ रहने का संभावना है, इसका मतलब हमें प्लान क्या करना है कि लेट अस पुट अप अ स्कोर ऑफ अबो 70% इन यूजीसी नेट. ठीक है, 70% स्कोर का मतलब क्या है? 70% स्कोर का मतलब है कि 300 में से हमें 210 नंबर अपने टारगेट करने हैं. ठीक है, अब 210 अगर नंबर की बात करें, 210 मार्क्स हैं 300 में से, हर एक सवाल 2 मार्क का है,
तो इसका मतलब जो अपने 150 सवाल हैं, 150 सवाल का मतलब क्या है कि अपने पास दो हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में 50 सवाल हैं, पेपर टू में 100 हैं, कुल मिला के 150 है। तो अगर 210 का स्कोर मुझे टारगेट करना है, ठीक है, इसका मतलब मुझे 105 में से, 150 में से मोटा मोटा 105 सवाल ठीक करने का टारगेट रखना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वो एक अच्छी बात है। तो 150 सवाल पेपर वन और पेपर टू के मिला के, उसमें से मुझे मोटा मोटा 105 सवाल ठीक करने का टारगेट रखना है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरा जेआरएफ मोटा मोटा इससे मेरा निकल जाना चाहिए विद व्हाट एवर आई एम डूइंग, ठीक है। अब इस चीज की बात हम थोड़ी देर में करेंगे कि निकालना कैसे है, अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहुंचना कहाँ है, व्हाट इज माय टारगेट। टारगेट हमने डिसाइड कर लिया अभी कि 150 में से, तो 100 प्लस 50, 150 में से मुझे 105 के करीब सवाल मुझे ठीक करना है, ठीक है। अब गाइस 105 सवाल ठीक अगर मुझे करने हैं, अपने पास क्या ऑप्शन है, दो है अपने पास ऑप्शन, विच इज पेपर वन और पेपर टू, ठीक है। तो सबसे पहली बात पेपर वन के बारे में कर लेते हैं। सो यूजुअली होता क्या है कि हमने पेपर वन दिया और पेपर वन में हम लोग सब लोग मतलब 30-32 तो करेक्ट कर ही देते हैं, 50 में से 30-32 करेक्ट कर देते हैं। और फिर पेपर टू में कुछ हमारा स्कोर आता है 100 में से, जो भी अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, थोड़े से मार्क्स से रह जाएंगे तो मे बी 50, 55, 60 कुछ अपना स्कोर आएगा, ठीक है, 50, 55 या 60 इसके आसपास, अगर थोड़ा सिंसियर है, ठीक है, ये स्कोर आएगा। और फिर हमें लगेगा कि मैं अब कि मैं 3-4 मार्क्स से मैं रह गया, 3-4 मार्क्स से मेरा जेआरएफ नहीं निकल पाया, ठीक है। फिर हमें क्या लगता है कि देखो पेपर वन में तो मैंने 30-32 स्कोर किया, विच इज क्लोज टू 60-65%, सो पेपर वन में मैंने अच्छा किया है, पेपर टू में मैं अपना और एफर्ट लगा, लेट्स पुट इन मोर एफर्ट इन पेपर टू। सबसे पहली बात गाइज, ये वाला गलती नहीं करना है। अगर पेपर वन में हमारा 30-32 का स्कोर आया 50 में से, इट इज नॉट अ गुड स्कोर, इट इज नॉट अ गुड जॉब। पेपर वन में स्कोर को मैक्सिमाइज करना ज्यादा आसान है देन पेपर टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पेपर वन में अगर मैं फॉर एवरी एडिशनल मार्क, मार्जिनल एनालिसिस आप करते हो अपने इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में, मैनेजरल इकोनॉमिक्स में, फॉर एवरी एडिशनल मार्क द एफर्ट रिक्वायर्ड इन पेपर वन इज मच मच लेस देन इन पेपर टू। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि पेपर वन में हमें एक नंबर एडिशनल लेने के लिए अगर हमें एक्स आवर्स का एफर्ट लगाना, एक्स आवर्स की पढ़ाई करनी है, तो पेपर टू में वो एडिशनल मार्क्स लेने के लिए हमें 3x एफर्ट लगाना है। इसका मतलब सी अवर आइडिया इज टू मैक्सिमाइज द स्कोर। सो गाइस पहला चीज हमें क्या करना है, अगर हमें 105 का स्कोर पुट अप करना है तो हमें पेपर वन में हमें 38 से 40 का स्कोर लेके आना होगा 50 में से। वी हैव टू पुट अप दिस टारगेट, न कि हमें 30-32 के स्कोर पे यू हैव टू फील हैप्पी और सेटिस्फाइड कि ये हमारे लिए काफी है, बिकॉज इट्स इजियर। सी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज द स्कोर, बिकॉज इट्स इजियर टू गेट दैट वन एडिशनल मार्क इन पेपर वन। सो पेपर वन में अवर टारगेट इज 38 to 40, ठीक है। बाकी स्कोर जो आएगा अपना वो हमारा पेपर टू से आएगा। अब पेपर टू में हम 60 लेके आते हैं, 65 लेके आते हैं, इतना भी करना काफी होगा अगर पेपर वन में अच्छा कर लेते हैं, 70 लेके आएंगे तो वेरी गुड, दैट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू रीच एट द 70%। सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट की 105 का स्कोर पुट अप करने के लिए पेपर वन को अंडरमाइन नहीं करना है, पेपर वन को अपना ड्यू रिस्पेक्ट देना है, और ये संभव है। हम यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट मोर देन 10 इयर्स नाउ, 2012 से हम लोग कर रहे हैं। काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज पड़े हैं वेबसाइट पे, आप देखना, कम से कम 200 लोगों का इंटरव्यूज पड़ा हुआ है, उनके स्कोर कार्ड हमारे पास है। सबने इनवेरिएबली मतलब एक्सेप्ट वन और टू आउटलायर्स, इनवेरिएबली सबने पेपर वन में काफी अच्छा किया था, दैट इज वाई दे पुट अप अ
great score because it's easy to differentiate there than to differentiate in paper two. ठीक है. So guys, इस बात के साथ let's agree now कि हमारा कट ऑफ का जो पूरा एनालिसिस है वो हमें क्या बोलता है. कट ऑफ का पूरा एनालिसिस हमें ये बोलता है कि मुझे 150 में से 105 सवाल ठीक करना है. यहां तक हम लोग एग्री करते हैं. ठीक है. सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम किस बात पे आएंगे कि अब इसको अचीव कैसे करें. ठीक है. इस वाले स्कोर को हम कैसे अचीव करें. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार यूजीसी नेट का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है. तो सिलेबस किसका, कोड 17 का हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई विल गो, आई विल जस्ट गूगल, आई विल गो टू ह्यूमन पेरिटस. ठीक है. ह्यूमन पेरिटस. ठीक है. आई विल गो ऑन द पेज ऑफ ह्यूमन पेरिटस पे जाएंगे. आई विल गो ऑन द पेज ऑफ कोड 17 मैनेजमेंट. ठीक है. और कोड 17 मैनेजमेंट के पेज पे आने के बाद आई वॉन्ट टू लुक एट द सिलेबस. सो आई विल गो टू द सिलेबस पेज. ठीक है. तो ये अपना पूरा सिलेबस है. आप यहाँ से पूरा सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो वेब मतलब वेबसाइट पे. यहाँ बाकी चीजें भी हैं, कट ऑफ है, पुराने पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वो सब है. सो ये अपना सिलेबस है. सो इस पूरे सिलेबस को यूजीसी नेट ने 10 मोटा मोटा यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. सो अगर 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया है पूरे सिलेबस को यूजीसी नेट ने. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले सिलेबस में अगर हम पेपर वन को देखें या इस वाले सिलेबस में अगर हम पेपर टू को अगर हम देखते हैं. ठीक है. तो सिलेबस में यूजीसी ने एक चीज और भी किया है कि ना कुछ चीजों क्लब कर दिया है, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट और इको को क्लब कर दिया है, जो कि यूजुअली मतलब नहीं होता जब हम पढ़ाई करते हैं मतलब एमबीए में. तो दिस इज मोर क्लोज टू ओबी देन बीइंग क्लोज टू इकोनॉमिक्स. इस तरह जो एमआईएस का चैप्टर है वो कुछ अपने मार्केटिंग के ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेटजी के साथ उन लोगों ने मिला दिया है. इस तरह स्टैट्स को ऑपरेशन के साथ मिला दिया है, ऐसे कुछ कुछ विच इज नॉट लॉजिकल, पर यूजीसी नेट ने उसको वैसे वैसे उसको क्लब कर दिया है. सो गाइस दिस इज द एंटायर सिलेबस जो हमारे सामने है और आप इसको वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. अब हमने क्या किया है, हमने इस वाले सिलेबस को ना डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. क्यों बकेट में डिवाइड कर दिया है, बिकॉज वी वांट टू सी कि जो पूरा पेपर हमारे पास आता है उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है. दिस वॉज द आइडिया कि किससे ज्यादा सवाल आते हैं और किससे कम सवाल आते हैं. तो अब ये समझने के लिए सबसे पहले हम अभी जो पेपर हुआ है दिसंबर 2022 का, जो कि मार्च 2023 में हुआ है, एक बार ये वाला पेपर देख लेते हैं, ये वाला एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि किससे ज्यादा सवाल आए या किससे हमारे कम सवाल आए. ठीक है. तो गाइस अगर अब आप देखो कि पहली बात जो इससे तुम्हें समझ में आती है, जैसे ओबी के 16 सवाल आए, एचआरएम के 12, एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के 11, ऑपरेशंस के 7, एफएम के 10, अकाउंटिंग के 5, इको के 5, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और एमआईएस के 15. तो इस वाले एनालिसिस से पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि जो यूजीसी नेट ने जो सिलेबस दिया है और जो वो अलग अलग 10 यूनिट में डिवाइडेड है, उसका मतलब ये नहीं है कि सबसे इक्वल 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 सवाल आते हैं. अगर आपने 100 सवाल है पेपर टू में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक से मुझे 10-10 सवाल भी ही आएंगे. तो पहली बात हमें इससे ये समझ में आती है. दूसरी बात, सो कैन वी से कि अगर ओबी से इस बार 16 सवाल आए हैं कि ओबी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओबी से थोड़ा ही सवाल आते हैं. सो बिकॉज हम ये एनालिसिस पहले भी काफी सालों से करते आए हैं, तो किसी पुराने साल का हम लोग देख लें, जैसे 19 और 20 वाले पेपर है. अगर आप 19 वाला पेपर देखो जो दिसंबर 19 में हुआ और फिर जून 20 में हुआ, तो इसमें ओबी के 7 सवाल थे, अगली बार भी 7 सवाल थे. दिसंबर 19 में मार्केटिंग के 18 थे, जून 20 में मार्केटिंग के 13 थे, अभी कितने आए मार्केटिंग के, अभी सिर्फ 9 सवाल आए हैं. मोटा मोटा दो चीजें हमें क्या समझ में आते हैं इस वाले एनालिसिस से. पहली बात
कि जो यूजीसी नेट पेपर बनाता है फॉर कोड 17 मैनेजमेंट, उसमें वी कैन नॉट गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन कि इस वाले टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, इस वाले टॉपिक से कम सवाल आते हैं। तो देर इज अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि विद इन सेम पेपर भी कोई चीज वेरी नहीं करता है, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट चीजें वेरी करती है। जैसे आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपका एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, कॉमर्स वालों का दो में होता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। उनका मॉर्निंग और इवनिंग में भी टॉपिक्स का वेटेज का डिफरेंस है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। सो पहली बात कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स का। सेकंड बात, इट कीप्स चेंजिंग विद एग्जाम आफ्टर एग्जाम। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इट कीप्स चेंजिंग एग्जाम आफ्टर एग्जाम। तो इस सारे एनालिसिस से हमें क्या समझना है? इससे हमें यह समझना है कि हमें इससे कुछ नहीं समझना है। अगर अगर कोई हमें बताता है कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ये जरूर कर लो या ये कर लो, वो एक अलग बात है कि कोई टॉपिक कोई हमें चीज समझ में नहीं आती है तो शायद शायद हम उसको छोड़ दें, हमें मुझसे लगता था कुछ चीजें हम छोड़ दें, वो एक अलग बात है, उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, दिस इज रॉन्ग। एवरी टॉपिक, एवरी कीवर्ड इन द सिलेबस हैज गॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। किसी को भी, सभी को हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना है, किसी को भी हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि ये कम है ये ज्यादा। और ये काफी बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। हम लोग YouTube पे जाते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढते हैं। सो गाइज, ये वाला स्ट्रेटजी कोड 17 मैनेजमेंट में काम नहीं करता है। ओके, तो वेटेज ऑफ टॉपिक से समराइज करते हैं, क्या इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें इससे कुछ नहीं सीखना है। हमारे सामने एक सिलेबस है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उस सारे सिलेबस के एक एक कीवर्ड को हमें अच्छे से करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ कि क्या यूजीसी नेट अब टफ हो चुका है, अब हुआ क्या है? ये वाली बात हम कैसे समझेंगे कि दिसंबर 2022 का जो अभी पेपर हुआ, एक बार उसको मोटा मोटा देख लेते हैं ये समझने के लिए कि क्या यूजीसी नेट का पेपर अब टफ हो चुका है, हैज इट बिकम डिफिकल्ट टू क्रैक। तो अब ये वाली बात समझने के लिए मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं यूजीसी नेट के पेपर में कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर है ये, अब जो कब हुआ था, 12 मार्च 2023 को हुआ था, कौन सा, दिसंबर 22 हुआ। अब ये सवाल है, इसका ए आंसर की दिया है यूजीसी नेट में जो कि गलत है, मतलब इवन इसका करेक्ट आंसर बी है, आप लोग भी खुद आराम से पॉज करके निकाल कर देख लेना, ए मतलब बिल्कुल ही आउटराइटली एक गलत आंसर है। यूजीसी ने या एनटीए ने टू बी मोर प्रोसाइज अपना आंसर की चैलेंज के बाद भी इसको करेक्ट करने के लिए एग्री नहीं किया, इसको कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया था, स्टिल दे डिड नॉट मेक इट करेक्ट, ठीक है। तो गलत सवाल एक आया है। उसके बाद अब एक ये सवाल है, कोफिशिएंट वेरिएशन क्या देता है? तो यूजीसी ने आंसर इसका सी दिया है, बट अगर तुम देखोगे कोफिशिएंट वेरिएशन लाइक होमोजेनिटी इज अ बेटर आंसर, आई एम नॉट सेइंग सी इज इनकरेक्ट, लेकिन अगर दोनों में बेटर आंसर देखोगे, ए इज द बेटर आंसर। ऐसा सवाल भी अपने पास। ये एक और सवाल आया जिसका आंसर है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक यूनियन। इनफैक्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कोई फॉर्म होता ही नहीं है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज जेनरिक वर्ड। अगेन एक और गलत सवाल। सो गाइस, एक ही पेपर में तीन गलत सवाल। चौथा सवाल देखो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, आप सवाल को पढ़ लो एक बार, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। पांचवा सवाल देखो, इसको आराम से देख लेना, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के जो ऑप्शंस दिए हैं, ये ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो मैंने आपको पांच सवाल ऐसे दिखा दिए, 100 में से पांच सवाल ऐसे दिखा दिए जो कि गलत थे, या फिर देवर नॉट द बेस्ट आंसर, जो कि चार में से होना चाहिए, देवर नॉट द बेस्ट आंसर। अब कुछ सवाल और भी देखते हैं, एंड देन आई विल कम टू माय पॉइंट कि ये सब सवाल दिखाने के लिए आपको क्या कोशिश कर रहा हूं। अब ये सवाल है कि इंडस्ट्रियल सिकनेस के ऊपर एलसी गुप्ता, ये काफी मुश्किल सवाल है। एलसी गुप्ता इज नॉट अ वेरी वेल नोन नेम, कोई आईआर की किताब थी, वहां से उठा के इन लोगों ने सवाल उठा के दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, काफी कम लोगों को है, ठीक हुआ होगा। कोई रिटेलिंग की थ्योरी है, ऑफ कोर्स ये काफी लोगों से नहीं हुआ होगा। डेफिनेशन इज ऑलवेज अ ट्रिकी पार्ट,
अब इतना सारा डेफिनेशन किसी से भी याद कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि देर इज नथिंग कॉन्सेप्चुअल इन इट। तो ये भी कुछ लोगों नहीं होगा। ये ISO वाला तो बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट गलत ही सवाल है, बट लेट अस से इट्स टफ टू आंसर बिकॉज ISO के स्टैंडर्ड्स ओवर द इयर्स दे हैव चेंज्ड। UGC ने क्या किया कि कोई किताब उठा के इस सवाल को बना दिया विदाउट इवन चेकिंग कि आज के दिन ISO की वेबसाइट पे कौन से स्टैंडर्ड रेलेवेंट है कौन से नहीं है। इनमें से कुछ स्टैंडर्ड आज के दिन रेलेवेंट है ही नहीं, लेकिन UGC ने ठीक है उसको भी चिपका दिया। अब ऐसे कुछ और सवाल है जैसे कि कैटल पर्सनैलिटी फैक्टर। अब जब हम किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, ये OB का टॉपिक है पर्सनैलिटी, अब जो उसके प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं जो अकेडमिकली हम लोग पढ़ते हैं वही को रेफर करते हैं, जैसे कि मतलब पर्सनैलिटी की थ्योरी है, MBTI, Big 5, 5 6 थ्योरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कहीं से उठा के एक NTA ने कैटल थ्योरी को दे दिया, आई एम श्योर ये मोस्टली लोगों ने सुना भी नहीं है, ठीक है, कि क्या होता है। ऑफकोर्स फिर वो लोग ठीक से सवाल को कर भी नहीं पाए होंगे, ठीक है। अब ये वाला सवाल है कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन किसने क्या दी, कोई किसी ने पेपर लिख दिया रिसर्च पेपर डेफिनेशन हमसे पूछ लिया, ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो टफ टू आंसर। तो अब गाइज ये सारा जो मैंने आपको बताया है इससे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो गाइज एक तो बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा ये इतने सारे हमने मुश्किल सवाल देखे या इतने सारे हमने गलत सवाल देखे, तो इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। ऑफकोर्स इससे पहला इंप्रेशन तो ये आता है कि ये तो काफी मुश्किल पेपर हो चुका है, गलत सलत सवाल भी हैं, इतने सारे टफ हैं, कैसे करें। और इन्हीं सवालों को देख के हम अपने मन में इंप्रेशन क्या बना लेते हैं कि पेपर तो टफ हो चुका है, पेपर टफ हो चुका है। जब गाइस ट्रूथ ये है, आई टेल यू ट्रूथ ये है कि अगर 100 अपने क्वेश्चन है, 100 में से 10 12 सवाल ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी के। कौन सी इस कैटेगरी के? या तो बहुत टफ है, कहीं से भी सवाल उठ के आ गया है। अच्छा, कहीं से भी उठ के आने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं एक सीरियस स्टूडियस सिंसियर स्टूडेंट हूं, सो मैं जो अपनी नॉर्मल बुक्स रेफर करूंगा उनमें वो चीज कवर ही नहीं थी जो कि एग्जाम में उठ के आ गई है। ये मतलब है कहीं से भी सवाल उठ के आने का। सो कहीं से भी उठ के आने वाले ये जो सवाल होते हैं ये अपने होते हैं 10 से 12, ठीक है। और इन्हीं सवालों को देख के हमारे मन में एक ओवरऑल इंप्रेशन बन जाता है क्या कि यूजीसी नेट का पेपर तो अब टफ हो चुका है, COP 17 और बड़ा टफ पेपर था, बाहर आऊंगा मैं दिखा, बड़ा टफ पेपर था। लेकिन गाइज ये बात जरूर हमें समझना होगा कि ये 10 12 जो है ना ये टफ सवाल है या गलत है या कंफ्यूजिंग है या कुछ भी इन सबको लगा लो, जो रिमेनिंग अपने सवाल हैं 85 से 90 के आसपास आउट ऑफ 100, दे आर द ट्रेडिशनल सवाल। ट्रेडिशनल सवाल का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी किसी भी बुक से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होता डेफिनेटली दे आर कवर्ड इन दैट। अब हमारा जो सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड होता है वो सिलेक्शन या रिजेक्शन इस बेस पे डिसाइड नहीं होता है कि इन 10 से 12 सवालों में मैंने कितने सही किए या कितने गलत किए। नहीं, हमारा सिलेक्शन या रिजेक्शन इस बात पे डिसाइड होता है कि इन जो ये 85 से 90 सवाल थे इनमें से हम लोग कितने ठीक कर पाए। वो 10 12 तो कोई भी ठीक नहीं कर पाया है, तो डू नॉट वरी। और ये हर साल आते रहेंगे एग्जाम, आप कितना भी पढ़ाई कर लो अगले 10 साल तक पढ़ाई करते रहो यूजीसी नेट का, वो 10 12 सवाल तो ऐसे आते ही रहेंगे। कौन से या तो गलत सलत है। अब देखिए, अब ये बात समझ गए, NTA भी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो उनको इतने सारे वो लोग का एग्जाम कर रहे हैं, उसमें कई एग्जाम मल्टीपल सेटिंग में हो रहा है, कॉमर्स का इसका इतना सारा पेपर बनता है इतना सारा, तो ये डोंट हैव नॉट ओनली UGC नेट, बाकी भी दुनिया भर के एग्जाम कर रहा है, NTA DU के लिए CUET कर रहा है, कुछ 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 एग्जाम कर रहा है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना क्वालिटी पेपर वो लोग बना पाए। तो ये हमेशा कुछ सालों से हो रहा है, इनफैक्ट वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया कुछ सवाल, बाय द वे एक एक सवाल को पोज करके देख भी लेना कि हम सही नहीं बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें तो एग्जाम निकालना है,
हमें ये बात करके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एनटीए ने अच्छा काम किया या एनटीए ने बेकार काम किया, सरकार अच्छा कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है। अनुराग वेट, हमें तो अपना एग्जाम निकालना है, और हमें अपना एग्जाम निकालने के लिए 85 to 90 जो सवाल है ये आउट ऑफ 100, इन्हीं पे फोकस करना है। और ये हर बार ही सेम होंगे। सेम मेरा मतलब है कि हर बार 85 से 90 सवाल ऐसे होंगे जो कि हर बुक में दिया हुआ है। हम फेल इसलिए नहीं हुए कि हम वो 10 से 12 नहीं कर पाए, हम फेल हुए तो हम इसलिए हुए क्योंकि हम 85 90 में से ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि क्योंकि हमें तो कट ऑफ पार करने के लिए जेआरएफ का, अब की बार जो कट ऑफ था, मतलब ओरल पेपर वन पेपर टू का बता रहा हूँ, 67 जो था, हमें तो 67 ही ठीक करना था, हमें तो 85 90 में से 67 ही ठीक करना था। बाय द वे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर तुम इन 10 12 में भी तुक्का लगा के आओगे तो 2 दिन तो वैसे ठीक हो जाएंगे, 2 3 और इन 10 12 में से अगर मैं नहीं भी आता होगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो गाइस समरी क्या है इस बात की? समरी ये है कि जो टफ हो गया है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, जो ये सब चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों का हमें वरी नहीं करना है। हमें तो अपने 85 से 90 पे फोकस करना है, विच इज इजिली अचीवेबल। कब वो अचीवेबल है? जब तब कि हम अपना सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सो आई विल कम टू दैट, आई विल जस्ट टेक 2 3 मिनट्स मोर और उसके बाद मैं सवालों पे आता हूं। सो गाइज, अब हमने ये बात कर लिया। सर, देयर इज अनदर चेंज विच हैज हैपेंड, ठीक है, कि एक तो ठीक है ये कुछ सवाल आते हैं एनटीए वाले, एक और बात आप लोगों को समझनी होगी कि ओवर द इयर्स, क्योंकि हम लोग पिछले 10 12 साल से यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कोड 17 करवाते आ रहे हैं, तो ओवर द इयर्स जो चीजें चेंज हुई है उसमें एक चीज और हुआ है, वो क्या है कि पहले क्या था, पहले मतलब 2013 14 15 16 उन दिनों में जब यूजीसी नेट पेपर कराता था, और उसके बाद जब सीबीएसई ने कराया 18 19 में, और आजकल एनटीए कराता है, ठीक है। तो जब ये पेपर यूजीसी और सीबीएसई कराता था ना, तो तब ना पेपर काफी आसान आता था। आसान मतलब कि मुझे कुछ कीवर्ड याद करना है, और अगर मैं वो सारे कीवर्ड याद कर लूं, मेरा आराम से यूजीसी नेट निकल जाता था। हमने सैकड़ों लोगों का निकलवाया भी है, वेबसाइट पर उनके इंटरव्यूज भी पड़े हुए हैं जिन्होंने 2013 14 में हमारे साथ यूजीसी नेट निकाला है, कि कुछ कीवर्ड करो और तुम्हारा वो इतने करने से तुम्हारा वो निकल आएगा पेपर। मतलब सारे सिलेबस से कीवर्ड मोटा मोटा याद कर लो, कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ज्यादा डीप नहीं जाना, और तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। लेकिन जब से एनटीए ने पेपर कराना शुरू किया है, नाउ पेपर हैज बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल। तो दिस इज द चेंज। चेंज इज कि अब कीवर्ड बेस्ड अप्रोच से काम नहीं चलेगा, अब हमें चीजों को समझना पड़ेगा। नाउ पेपर हैज बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब है, जैसे ये वाला सवाल उन लोगों ने दिया है, ठीक है, कि अब की बार जो आया है कि व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्टिक फर्म। तो अब हमें ना पूरा इसको समझना होगा। अब ये नहीं है कि पहले क्या लेवल था कि ओलिगोपोली की डेफिनेशन याद कर ली, उतना ही काफी है। अब हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि ओलिगोपोली की कर्व कैसी होती है, ठीक है, और इस वाली कर्व में कैसे एज प्राइस गोज अप और प्राइस गोज डाउन अकॉर्डिंगली कैसे इलास्टिसिटी वेरी करती है, कि इलास्टिसिटी कम होती है या जैसे जैसे प्राइस कम होगा इलास्टिसिटी विल गेट लोअर, जैसे प्राइस ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी विल गेट हायर। सो गाइस पॉइंट इज कि अब हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट है कि पहले हम लोग 2 महीना पढ़ाई करके भी यूजीसी नेट निकाल लेते थे 2015 16 उन दिनों में, अब वो नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना होगा। और भी सवाल आप देख सकते हो, एटीट्यूड के ऊपर सवाल आया है, ठीक है। सो दिस इज अनदर चेंज दैट नाउ पेपर इज मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि अब हमें चीजों को समझना होगा। अब हमें स्टैट्स के जिस तरह के सवाल आते हैं, जिस तरह के सवाल ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं, अब मोटा मोटा वो करके अब काम नहीं चलेगा, वो उसके अंदर जाकर और चीजों को अब समझना शुरू करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, इट्स जो 85 से 90 सवाल पार्ट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कुछ टफ हो गया है। गाइस अगेन,
कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ मुश्किल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब वही है कि जो एमबीए के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें टीचर समझ के बोर्ड पे समझाता था, वो चीज अब तुम्हें करना शुरू करना पड़ेगा, बस उतना ही है। इससे मत डरने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड बेस्ड है सब कुछ, उस बाउंड्री के अंदर ही, सिलेबस के अंदर ही है। कुछ उठपटांग उठ के जो आता है वो तो बाहर ही है। हमारा टारगेट 80-85 to 90 questions है। सो गाइस लेट्स लेट मी कम टू फाइनल थिंग नाउ कि हाउ यू गाइज कैन प्रिपेयर विद ह्यूमन पाइथस। आप हमारे साथ कैसे जेआरएफ इन या नेट जो भी आपका टारगेट है इन कोड 17 मैनेजमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, सो लेट मी टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पाइथस। तो जैसे आप होम पेज पे जाओगे, क्लिक ऑन द कोड 17 मैनेजमेंट, इस पे अगर आप एक बार क्लिक कर लोगे, ठीक है, इट विल ओपन अप अनदर पेज ऑन कोड 17 मैनेजमेंट एंड दिस इज वेयर वी हैव डिस्कस कि क्या हमारा प्लान रहता है। अब कैसे मोटा मोटा प्लान है ना, इसको ना आप तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि हाउ यू गाइस विल प्रिपेयर ह्यूमन पाइथस। पहली बात कि जो वीडियो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस से समझ के आपको कॉन्सेप्चुअली उस चीज को क्लियर करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं। मान लो आप कर रहे हो ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, सीपीएम एंड पार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सबसे पहले आप थ्रू अ वीडियो क्लास यू विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली कि सीपीएम पार्ट को हम कैसे हमें उसको सोल्व करना है। दिस द फर्स्ट स्टेप। अब ये समझने के लिए कि इन वीडियो क्लासेस में कैसे हम आपको पढ़ाते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के इस पेज पे नीचे काफी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो इनमें से कुछ क्लासेस आप चला के देख लो कि क्लास में कैसे पढ़ाई होता है और ये आपको कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप, अब मैंने क्या कर लिया, सीपीएम और पार्ट को मैंने वीडियो क्लास में कवर कर लिया, देन यू विल कवर दिस टॉपिक थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट। अब प्रिंटेड बुकलेट जो आपके घर कोरियर से आएगा, अब वो प्रिंटेड बुकलेट आपको कैसा है, उसमें कंटेंट कैसा बनाया है, कितना कंसाइज है, कितना एलेबोरेट है, ये समझने के लिए इसी पेज पर काफी सारी बुकलेट्स के सैंपल दिए हुए हैं एंड दिस इज हियर यू विल फाइंड इट। आप ना कुछ बुकलेट का सैंपल चेक कर लीजिए, इंडेक्स पेज पूरा दिखता है एंड यहां से आप पूरा उसको देख पाओगे। तो गाइस हमने क्या कर लिया, सीपीएम पार्ट के टॉपिक को हमने पहले वीडियो क्लास से कर लिया, उसके बाद हमने इसी टॉपिक को हमने अपनी प्रिंटेड बुकलेट से हमने इसको कवर कर लिया। ओके ग्रेट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट यू विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। जब आप उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां क्या है, वहां सेक्शनल टेस्ट है, मतलब जो पूरा सिलेबस है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 150-160 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो वहां आपको सीपीएम पार्ट के ही स्पेशल 50-60-70-80 आपको सवाल मिलेंगे, गो थ्रू दोज क्वेश्चंस। अब जो ये वाले सवाल है, इसमें पिछले 10-12 साल में यूजीसी के जितने सवाल आए हैं वो भी कवर अपने आप हो जाएंगे, और जो हमारी टीम नए नए सवाल कुछ इंप्रूव करके बनाती रहती है, डालती रहती है, वाले सवाल भी आ जाएंगे। सो गाइस डन, अगर मैंने सीपीएम पार्ट के टॉपिक को इन तीन स्टेप से गुजार लिया, पहला वीडियो क्लास, उसके बाद प्रिंटेड बुकलेट जो घड़ाएगी, तीसरा उसके मैंने 50-60 सवाल लगवा लिए, डन। इसके अलावा आपको इस टॉपिक को दोबारा कभी देखने का नीड नहीं है, दिस इज डन। तो इस तरह सिलेबस में जितने भी कीवर्ड है, आपके सिलेबस में जितने भी कीवर्ड है यूजीसी नेट के मैनेजमेंट के सिलेबस में, एक एक करके हर एक कीवर्ड को आप इन तीनों स्टेप से गुजारते चले जाइए एंड दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा सिलेबस करना है, 100% सिलेबस करना है। सो 3 से 4 महीने का समय लगेगा मोटा मोटा, लेकिन अगर आप 3 से 4 महीने इसको अच्छे से कर लेते हो, पहली बार में ही आपका यूजीसी नेट, आपका जेआरएफ पहली बार में निकल जाएगा, न कि आपको बार बार कई सालों तक आपको उसके लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। एक बार करना है, अच्छे से करना है, 3-4 महीने लगेंगे और इसमें आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई प्रीवियस पेपर, कोई दूसरा टेस्ट कुछ भी नहीं छूना है, जो हम देंगे बस वही करना है। फाइनली सब करने के बाद आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, पेपर 1 पेपर 2 के लिए डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस,
टच नथिंग एल्स. 1 मई से, 1 मई से हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं. सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड नाउ लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस एंड वी विल गो वन बाय वन. सो गाइस व्हाट वी विल डू, आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन और आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप डाउट है, आप हमसे वो डिस्कस एक एक करके कर सकते हो. ठीक है, सो जस्ट रेज योर हैंड. जिसको भी अपना कुछ पूछना है तो आप अपना हाथ उठाइए एंड वन बाय वन हम उसको लेते जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अनुराग नाउ. हाँ जी अनुराग बोलिए प्लीज. Yeah, thank you so much, sir. Thank you for the session. Sir, before also I knew about human predators. I had tried to join the sessions before the previous cohorts, but I could not able to. But I had ordered some material, whatever the material you are showing. It's been like couple of years back, like say 3 to 4 years back. So will this material can be used for this training? देखो अनुराग, हमें ना चेक करना होगा थोड़ा सा कि आपको चेक ये करना होगा कि हमने आपको कब दिया था और उसके बाद हमने उसमें क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं. ठीक है, सो बेस्ट वे टू फाइंड दैट आउट इज आप हमें उसी ईमेल आईडी से जिससे आप एनरोल्ड हो, आप हमें एक ईमेल कर दीजिए. ठीक है, सो समबडी विल चेक इट योर रिकॉर्ड कि हमने आपको कब दिया था, किस ईयर किस मंथ में दिया था, एंड अकॉर्डिंगली विल एडवाइज कि हमने उसको कितना चेंज कर दिया है. ओके, दैट इज वन क्वेश्चन सर. द सेकंड क्वेश्चन इज नाउ व्हाट वुड बी द cut off eligibility, age eligibility cut off for JR or for that? Do we have any cut off, age cut off? Yeah, so yes, so again, so what you can do, website पे भी जाके ना हम लोगों ने एक section बनाया हुआ है. So उसके लिए आपको क्या करना है कि इसकी पेज पे जाके कोड 17 के लिए क्लिक ऑन द एलिजिबिलिटी. ठीक है, अनदर पेज विल ओपन अप ऑन वेबसाइट इटसेल्फ. तो वहीं से पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो देर इज नो एज लिमिट. ठीक है, जेआरएफ के लिए 30 इयर्स है मेल स्टूडेंट्स के लिए और 35 है फीमेल के लिए. अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी एसटी पीडब्ल्यूडी तो भी आपको 35 इयर्स है. सो दिस इज द अपर एज लिमिट फॉर जेआरएफ. नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है. एंड एनी एग्जाम पब्लिक सेक्टर पीएसयू एग्जाम्स रिलेटेड टू जेआरएफ विल हैव आल्सो एनी एज क्राइटेरिया सर? देखिए अब हर पीएसयू का ना एक अपना क्राइटेरिया होता है. ठीक है, बट एक मोटा मोटा एस्टिमेट बता देता हूँ कि सारे पीएसयू ना 30 साल 28 साल इस पे क्लोज हो जाते हैं. मतलब 30 साल मोटा, 30 साल के बाद देयर आर वेरी फ्यू पोस्ट जहां आप एलिजिबल होते हो. हाँ, यूपीएससी के कुछ अच्छे एग्जाम है वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का अभी निकला हुआ फॉर्म, एपीएफसी का निकला हुआ था. सो ऐसे कोई यूपीएससी के कुछ अच्छे एग्जाम है जो आप अगर आप एमबीए किया भर सकते हो. बट पीएसयू जो मोटा मोटा 30 साल के बाद रेयरली कभी कुछ होता है. बट अगेन वी हैव टू गो पीएसयू बाय पीएसयू चेक करने के लिए कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी है या नहीं है. ओके, एंड सो दिस काइंड ऑफ द मेंटरशिप और द ट्रेनिंग व्हिच वी अंडरगो फॉर द यूजीसी नेट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर? या ऑफ कोर्स, प्लीज आप समझिए, अगर आप कल को मान लो पीएसयू के लिए एचआर ऑफिसर कर रहे हो, मार्केटिंग ऑफिसर कर रहे हो, ठीक है, so please understand that the UGC NET का syllabus है ना, that is most of the times it's superset of all these syllabus. अगर आपने UGC NET के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो इन सारे exams का syllabus automatically cover हो जाएगा. Okay. And what would be the duration of this cohort sir, this course? So we'll cover everything in a period of around 3.5 to 4 months. Okay. And we are now preparing, we are getting ready or prepared for the December entrance. हाँ, देखिए प्राइमरली दिसंबर का ही टारगेट है ये, क्योंकि क्योंकि मई तो आई गया है और सिलेबस करने में अच्छे से करेंगे तो 4 महीने का समय लगता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई जून वाला भी है सो व्हाट ही और शी कैन डू, बिकॉज वी आल्सो गिव यू रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ प्रीवियस बैच, वो वीडियोस को देख के जून वाला भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है. ऑल्दो विल बी टीचिंग एट अवर ओन पेस, हम अपना समय लेंगे 3.5 to 4 महीने का, लेकिन अगर किसी को हमसे आगे बढ़ के जल्दी करना है सो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि हम हर एक बैच को प्रीवियस बैच का रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देते हैं. क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, सपोज यू वांट टू गो अहेड ऑफ अस, आप हमसे आगे बढ़ के तैयारी करना चाहते हो, यू हैव गॉट दैट ऑप्शन, इसलिए हम वो करते हैं. ओके ओके, थैंक यू सर. आई थिंक द फाइनल स्मॉल रिक्वेस्ट आई हैव इज I would prefer, I know, I would suggest if the communication would be more in English than in Hindi, that because no, no. Thoda numericals problem. See, I'll tell you,
दैट एज फार एज क्लासेज आर कंसर्न, ठीक है, प्राइमरली क्लास इंग्लिश में होता है, ठीक है, समटाइम्स समटाइम्स टीचर माइट यूज हिंदी टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट प्राइमरली इट्स इंग्लिश, बट समटाइम्स इट माइट हैपन दैट टीचर माइट यूज सम हिंदी टू जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स. ओके ओके. आप एक काम भी कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके कुछ 8-10 क्लासेज आप खुद से गो थ्रू देम विच आर देयर ऑन द वेबसाइट एंड आई विल शो यू कोड 70 मैनेजमेंट के. अगर आप पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ एक खूब सारी क्लासेज पड़ी हुई है, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेज. आप दो चार क्लास चला के भी देख लीजिए कि कैसा लैंग्वेज है एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर. Sure sir, thank you so much. And what about this three component structure? How again? उसके लिए आप website देख लीजिए, everything is there. हाँ. Okay sir. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay. So let's speak to Shweta now. हाँ जी Shweta, please speak up. Shweta. हाँ. Good afternoon sir. Very good. Thank you so much for the session sir. हाँ. There are questions there. How much time we need to allocate every hour to you know go through these recorded sessions and then to do understand things by ourselves. कितने घंटे रोज के जरूरी है? देखिए आपको ना हर रोज कम से कम 3 घंटे तो बैठना होगा. अच्छा. हर रोज अगर, लेकिन आई एम वेरी श्योर अगर आप हर रोज 3-3.5 घंटे के आसपास एफर्ट करोगे तो 4 महीने में सिलेबस डेफिनेटली कवर हो जाएगा. बट एग्जाम्स का भी एक्सपेक्टेड है सर, बिकॉज नॉर्मली जून होता अब, है. अब देखिए पूरा वैसे तो हर 6 महीने में होता था, अब पूरा जो शेड्यूल है वो तो डिस्टर्ब हो ही गया है. ठीक है. सो लेट अस सी नाउ, शायद जून वाला कभी होगा, जुलाई में अगस्त में कभी शायद, वी कांट कंफर्म. बट ऑफ कोर्स देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन दैट. हमारा आप लोग क्या सजेशन है, अपन अच्छे सिलेबस कर लीजिए. Okay. अगर जून वाला नहीं होगा तो दिसंबर वाला हो जाएगा, उसके कुछ महीने बाद ही है वो. राइट. Right. So just do your best. हाँ. जून में करना है सर, सर how much hour we need to dedicate every day अगर जून में करना है. अगेन अभी श्वेता आपको ये भी देखना है कि आपको आपने कितना कवर कर लिया है. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है, फिर आप जून में नहीं कर पाओगे. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ओके. कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि रातों रात. और नाउ दैट पेपर हैज बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल तो इट्स इवन मोर, इट विल टेक इवन मोर टाइम. ठीक है. आप थोड़ा देख लीजिए आपने पहले कितना पढ़ाई किया है, मार्केटिंग, एचआर, ओबी, आप कितना जानते हो, कितने कंफर्टेबल हो, स्टैट्स कितना जानते हो, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि कितना मुझे एफर्ट चाहिए, वेयर डू आई स्टैंड टूडे एंड वेयर आई हैव टू रीच, उसमें कितना गैप है. okay. और पेपर वन में जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर करता है, पूरा कवर करते हैं. JRF के लिए आपने बोला कट ऑफ ईयर फॉर फीमेल 35 years, अगर इट्स अराउंड 35 or 6 months सो डू आई बी एलिजिबल फॉर JRF, विल आई बी एलिजिबल? नहीं वो तो 35 है. हां देन यू आर नॉट एलिजिबल अगर आप उसको आप क्रॉस कर चुके हो तो. ओके ठीक है सर. हां हां ओके ओके ठीक है. श्वेता एनीबॉडी एल्स? या हेलो सर. हां जी बोलो प्लीज. चारित्र जैन दिस साइड. Who is this? Charitra Jain, can you hear me? Yes, 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 Charitra. हाँ, बोलो. Yes, sir. Sir, I was your student. ठीक है, very nice. Yes, sir. I have taken the commerce course 08 and I have qualified the exam. Oh, very nice. Very nice. Very nice. So, हाँ. Please go ahead. Sir, I have this query. Like, if I want to appear from management code 17 this time because I have recently qualified in commerce code 08. ठीक है. So, sir. I want to ask about the similarity of syllabus between management subject and commerce subject. Approximately 75% similar है. Management में कुछ अलग चीजें भी हैं जो commerce में नहीं है. जैसे कि आपको management के लिए आपको operations management करना पड़ेगा. मैं आपको syllabus पे ले जाता हूँ चीजों को दिखाने के लिए. Yes, sir, I have gone through it. हाँ, जो additional चीजें आपको दिखा देता हूँ मैं कि आपको आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एडिशनल है जो मैनेजमेंट में, जो कॉमर्स में नहीं है. उसके बाद आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आपको MIS करना पड़ेगा. ठीक है. जो एंटरप्रेन्योर्स, इसके कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ नहीं भी हैं. ठीक है. okay. इसमें से कुछ रिपीट है, कुछ कुछ नहीं भी है. ठीक है. तो जैसे इसके कुछ टॉपिक है जो आप कॉमर्स वाले बैंकिंग FI में पढ़ लेते हैं. बट अगर आपने कॉमर्स अच्छे से कर लिया है तो मैनेजमेंट का अप्रोक्सीमेटली आप 75% यू आर देयर. अनदर थिंग गाइस कि आपको ना सिलेबस बाय सिलेबस जाना होगा. जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में है. ठीक है.
अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डेरिवेटिव चैप्टर है, अगर अंदर जाओ, डेरिवेटिव कॉमर्स वालों को नहीं है लेकिन मैनेजमेंट में है, ठीक है। सो ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया 72-75% कॉमन है, पर इवन दो टॉपिक्स जहां कॉमन जैसे एफएम दोनों में है, तब भी दोनों में वेरिएशन है, कुछ कुछ कीवर्ड में हमें सिलेबस में अंदर जाके देखना होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि डेरिवेटिव मैनेजमेंट वालों को है, कॉमर्स को नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो कॉमर्स वालों को नहीं है लेकिन मैनेजमेंट में है। तो अगेन एंड दैट इज वाई हम पूरा कीवर्ड बाय कीवर्ड जाके थोड़ा प्लान कर पाते हैं कि कौन किस में है या कौन किस में नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स सर? हाँ जी बोलो सर। कृति यार, हाँ जी बोलो सर। आई वांटेड टू सीक सम गाइडेंस रिगार्डिंग हाउ कैन वी पुट इन आवर एफर्ट्स टू इंक्रीज स्कोर इन पेपर वन। अच्छा, उसके लिए ना हम डेडिकेटेड सेशन भी करेंगे, बट फॉर नाउ आपको क्या करना है कि पेपर वन में जो अपना स्कोर है ना, पेपर वन में जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो पेपर वन के 10 सब टॉपिक हैं, पूरा जो सिलेबस है उसको 10 टॉपिक में यूजीसी ने डिवाइड किया है, करेक्ट। आपको एक बार एक एक टॉपिक के अंदर देखना है कि उसमें मुझे कितना आता है। जस्ट फाइंड दैट आउट रादर देन लुकिंग एट पेपर वन एज अ होल। लेट्स गो डीप इन टू इट। और पेपर वन के जो 10 सब टॉपिक्स हैं जो कि पेपर वन के सिलेबस में दिया है, उसमें आपको जाके एक बार देखना है कि किसके सवाल मेरे सारे ठीक होते हैं, किसके नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। सो इफ वी गो ऑन टू द सिलेबस ऑफ पेपर वन, ठीक है, और यहां पेपर वन का सिलेबस, इट विल कम अप नाउ। सो पेपर वन के सिलेबस में, ओह दीज आर पीवाईक्यूज ऑफ पेपर वन, सो आई हैव टू गो टू सिलेबस ऑफ पेपर वन, ठीक है। सो अगर मैं पेपर वन के सिलेबस में जाता हूं, ठीक है, ये देखिए ये 10 अपने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 है। एक बार जस्ट फाइंड इट आउट कि किसमें आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, किसमें आप कितने वीक हो। जैसे कुछ चीजें जैसे DI है, ये वन टाइम ही करना है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आपने एक बार समझ लिया कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है, उसके बाद उसका सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। सो फाइंड आउट किस टॉपिक में आप कहां स्टैंड करते हो। इज दैट ओके? श्योर सर, थैंक यू सर। ओ हाँ बोलो। हाँ, अदर क्वेश्चन सर, लाइक आई हैव ऑलरेडी taken the membership for the study material, right? But now I'm seeking to join the classes, online classes as well. So sir, is there any provision like in between if we can join the classes? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, why not? कभी भी। Sir, but how can we join? Like so I have so what our team will say, आपको पूरा fees दोबारा से नहीं देना होगा। जो difference है between classes and study material, बस आपको उतना ही pay करना होगा। आप हमारी टीम को एक बार रीच आउट कर लीजिए व्हाट्सएप या ईमेल से, दे विल टेल यू कि क्या डिफरेंस ऑफ अमाउंट है एंड यू कैन एनरोल बाय पेइंग दैट। ओके सर, सर थैंक यू सर। या थैंक यू, या ओके। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ मनोज सर। हाँ जी मनोज बोलिए। हाँ यस सर, हैव वन डाउट सर, इज देयर एनी टेस्ट इन दिस ऑनलाइन क्लासेस? या ऑफ कोर्स सो देयर आर सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट्स आर देयर। अगर आप मैनेजमेंट के पेज पे जाओगे आपको दिखाई भी देगा कि कैसे फुल लेंथ टेस्ट है, कैसे क्या है, दीज आर इंक्लूडेड इन एवरीथिंग। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज इज देयर? सो देयर आर सेक्शनल टेस्ट्स विद अराउंड 7-8,000 क्वेश्चंस। सो दीज वुड बी अप्रोक्सीमेटली 150-160 सेक्शनल टेस्ट्स एंड फाइनली दे आर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। Sir, is there a separate test series? Is there, or want to take the total class online videos and test series and book? So there are no separate test series. They are included in study material package only. Okay, in study material and video classes. Yes, both. Yes, you can take any of them. Yeah. We want to take the combined study material, video classes, and test series. Right? Yes, they are included in both of them. Yes. So just go through this Thank page on the website, you'll understand everything. Yeah. Okay. So only the old question papers only. No other new question. Yeah, please don't worry. Everything is included. All PYQ guys, all PYQ are included. Since year 2009, everything is included. Only previous year's question papers. Yes. No. Again, there are PYQs also, and our team also has created some new questions. Both of them are there. Okay. Yeah.
Yeah. Okay. So guys, anybody else before I wind up for today? Sir, a class. Hello. हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए. Sir, can I appear for commerce rather than management? Although I have done with my MBA. So can I choose commerce as my subject? See, UGC NET अपना eligibility के बारे में बिल्कुल साफ साफ क्या लिखता है. Let's look at that once. ठीक है. तो एंड लेट मी टेक यू टू द एलिजिबिलिटी पेज फॉर दैट. ठीक है. तो मैं क्या हम लोग जाते हैं मे बी एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. सो गाइज एंड लेट मी टेक यू थ्रू दीज लाइन्स जो यूजीसी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है एनटीए ने कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपियर इन सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली. द कैंडिडेट्स whose post-graduation subject is not covered in the list, they may appear in a related subject. ठीक है. So it's very clear guys कि जिसने MBA किया है वो code 08 commerce नहीं दे सकता और जिसने MCOM किया है वो code 17 management नहीं दे सकता. जो MBA वाले हैं they have freedom कि वो code 17 management भी दे सकते हैं और वो code 55 HRM भी दे सकते हैं. Is that okay? Yes, sir. Yeah. Okay. Good afternoon, sir. हाँ जी, please बोलिए. Sir, मैं पिछले बार भी human parity से मेरा exam practice किया था, sir. Sir, mock test मुझे मैंने ही किया, sir. Can I get where mock test can be available, sir? हाँ, आप हमारी team को एक email कर दीजिए and we'll support you on that. Don't worry. थैंक यू सर. ओके. हेलो. हाँ जी प्लीज बोलिए. हाँ जी बोलिए. नमस्कार सर. मैं को ये पूछना है जैसे जून में अभी हमारा जो होगा एग्जाम तो मैं तैयारी करती हूँ 8 से 9 घंटे की. तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करा है तो पेपर वन पे ज्यादा फोकस करा जाए या पेपर टू पे जून के लिए क्योंकि अभी स्टार्ट करा है मैंने स्टडी करना. देखिए दोनों ही करना होगा हमें तो ओवरऑल स्कोर बिल्डअप करना राइट. अगर हमारा टारगेट है कि 150 में से 105 सवाल ठीक करने हैं तो पेपर वन से तो होगा नहीं अकेले. ओके. तो दोनों ही करना होगा. देखो सिलेबस तो हमें 100% कवर करना ही होगा. हार्डली कोई एक दो बीच में जो काफी कठिन लग रहा है छोड़ सकते हो. अदरवाइज हमें पूरा सिलेबस करना ही होगा. दिस द ओनली वे. ओके ओके सर. हाँ. ओके गाइस सो व्हाट आई विल डू आई विल वाइंड अप फॉर नाउ. So we are starting live classes from 1st of May and if there are any more queries jo hum answer nahi kar paaye please reach out to our team. You can enroll through the website aur 1 tarikh se hum log apna classes shuru kar rahe hain. So guys all the best and bye bye. Thank you.